पंजाब डायरीज देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं परमिंदर सिंह इस वक्त दीआं वड्डीआं ते ताज़ा खबरां लैके हाजिर हाँ। सब तो पहले गल कर लैंदे आं किसानां दी, जिन्हां दे वल्लों लगातार सड़कां दे उत्ते प्रदर्शन किया जा रहा, धरने प्रदर्शन किए गए ने। उत्थे ही बीते दिन उन्हां दे वल्लों लुधियाणा दे रेलवे स्टेशन दे उत्ते ट्रैक दे उत्ते उतर के कई ट्रेनां नूं रद्द भी कर दिता गया। हुण किते ना किते मुख्यमंत्री भगवंत मान अते किसानां दे विच सहमति जिहड़ी आ बणदी नज़र आ रही है। तकरीबन 12 बजे एक मीटिंग रखी गई, ये मीटिंग जिहड़ी आ लगातार जारी आ। मीटिंग दे विच कई किसान जथेबंदियां दे वड्डे आगू इस मीटिंग दे विच मौजूद ने। खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी जिहड़े ने इस मीटिंग दे विच हाज़र ने। इस मीटिंग दे विच किस तरीके दे टीचे निकलदे ने, किस तरीके दे विचार चर्चा हुंदी है, वह देखने वाली गल रहेगी। तो दस दिए कि किसानों के वलों बीते दिनों तो लगातार ही प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर के उत्ते मंग जिहड़ी है वह गन्ने के भा दे विच वाधे नूं लैके सी। पहला भी कई मीटिंगां जरूर होईयां सी पर बेसिट्टा रहीआं, जिस करके किसानों विच कितना किते रोस भी सीगा, जिस करके उन्होंने धरना प्रदर्शन जिहड़ा मुड़ तो शुरू किया। अज मीटिंग जिहड़ी है सरकार नाल होण जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मीटिंग दे विच नज़र आ रहे हैं। तो दरअसल किसानों के वलों अपनियां मंगां नूं लैके पंजाब दे हाईवे जाम किए गए, इस दे नाल ही रेलवे ट्रैकों के उत्ते भी धरने लगाए गए। इस मीटिंग दे विच खास खास मुद्दे रखे गए हैं। मीटिंग जिहड़ी है दोपहर 12 बजे तो शुरू हो रही है और मुख्यमंत्री की रिहायश के उत्ते ही यह मीटिंग है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहला ही किसानों नूं गलबात करन दा सद्दा भी दिता सी ट्वीट के राही। ट्वीट करदे उन्होंने कहा सी कि सड़कां दे उपर किसानां वल्लों लाए जा रहे प्रदर्शन जिहड़े ने किसी मसले का हल नहीं, इस नाल सिर्फ और सिर्फ आम लोगों नूं ही परेशानी आ रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों नूं रस्ते ना बंद करन दी अपील कीती सी। हुण जेकर ये मीटिंग किसानों के हक विच आउंदी है तां पंजाब वासियां नूं भी वड्डी राहत मिल सकती है। इत्थे भी दस दिंदे कि पिछले कई दिनों तो ही सूबे के लोग जिथे किसानों के हाईवे के उत्ते लाए धरनों तो परेशान ने, उत्थे रेलवे ट्रैक जाम होण करके दोहरी परेशानी भी झलनी पई है। जेकर अज इस मीटिंग नूं किते ना किते सफलता मिल जाती है, किसानां दीआं मंगां पूरियां हो जांदियां ने, जिथे किसानों नूं वड्डी राहत मिलेगी उत्थे ही पंजाब दे लोकां नूं भी इन्हां परेशानियां तों निजात जिहड़ी आ मिलदी नज़र आ सकती है। तो पंजाब दे स्कूलां दी गल कर लैने आ। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस नूं इक वड्डा ऐलान करदिआं सुणिआ गिआ है। दस्सदी कि इक ट्वीट जिहड़ा हरजोत सिंह बैंस सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों कीता गिआ हुण तक दा सब तों अहम ट्वीट जिहड़ा आ स्कूलां दे संबंधित कीता जांदा दस्सिआ जा रिहा है। तो दस दिंदे आ कि पंजाब दे सरकारी स्कूलां नूं लैके सरकार दे वल्लों इक वड्डा ऐलान कर दिता गिआ है। इस बारे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने खुद ट्वीट कीता है। बहुत जल्द पंजाब दे 19,000 तो ज़्यादा सरकारी स्कूलों के हुण ऑनलाइन हाजिरी शुरू की जा रही है। उन्होंने भी लिखा है कि साढ़े मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ जल्द ही पंजाब सिक्ख्या क्रांति दे विच एक होर मील पत्थर हासिल करेगा। सरकारी स्कूलों के जल्द ही ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने वाली है। इस संबंधी मापियां नूं एक मैसेज जिहड़ा चलाया जाएगा, मैसेज अलर्ट प्राप्त होगा मापियां नूं जदों भी उन्हां दा बच्चा स्कूल तो गैर हाज़र होगा, तो मापियां नूं एक मैसेज दे राही जिहड़ा उस बाबत सूचित जिहड़ा कर दिता जाया करेगा। तो उधर श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक खत लिखिया गया है, एक खास अपील की गई है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के 2 सिख वकीलों हरमीत सिंह गरेवाल ते दपिंदर सिंह नलवा की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजा वजों नियुक्ति लई सुप्रीम कोर्ट कालजियम के वलों सिफारिश किए जाने के बावजूद भी नियुक्ति ना होने के मामले में तुरंत दखल देने की गल आखी गई है। सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नूं अपील की है कि सिखां खिलाफ इस अन्याय ते फिरकू वितकरे नूं मामले विच निजी दखल दे के खत्म करवाउण। पीएम मोदी नूं लिखे अपने पत्र विच सुखबीर बादल ने मामले नूं बहुत ही संजीदगी वाला करार दिता है। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति लई सिर्फ सिख वकीलों के नाम बाहर कर देना एक फिरकू विचारधारा नूं प्रगट करता है। उन्होंने भी कहा है कि इस प्रभाव नाल सुप्रीम कोर्ट दीआं टिप्पणियां सही भी साबित होईआं ने अते इस गल नूं मजबूती मिली है कि सिर्फ सिख वकीलों नूं ही क्यों नियुक्ति जिहड़ी है नहीं दित्ती गई।
इस मामले विच मनपसंद दे वकील चुने जा रहे हैं। सुखबीर बादल ने भी कहा है कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के दखल तो बाद ही सिख वकीलों के नाम नूं प्रवानगी दी गई, पर वह भी एस सी कालजियम की सिफारिश से एक साल बाद, जिस नाल उन्हां दी सन्यारता बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो कितें ना कितें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों इस मामले विच दखल देने दे वास्ते अपील जिहड़ी है कीती गई है। उधर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी संबंधित एक पत्र लिखा है। एक संबोधन करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने शहीदी दिवस मौके पर श्रद्धांजलि भेंट कर दी हाँ। गुरु तेग बहादुर जी ने मनुखी कदर कीमत अधिकारों की राखी लिए अपनी महान कुरबानी दी है। गुरु तेग बहादुर जी ने प्यार दया भाईचारे का संदेश दिता सी। उन्हां दीआं सिक्ख्यावां सानू मनुखता की सेवा करन अते सारिआं नूं इकजुट करन लई प्रेरित करदीआं ने। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने कहा है कि गुरु जी का जीवन अते सिक्ख्यावां साडे सारिआं नूं राष्ट्रवादी भावना नूं प्रेरित करदीआं ने। दिल्ली सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े मौके शहर में शराब दीआं दुकानां बंद करन दे हुकम जारी करदिआं 24 नवंबर नूं ड्राई डे ऐलानिया है। आबकारी विभाग के वलों जारी एक शुद्धि पत्र दे विच कहा गया है कि दिल्ली विच शराब दीआं दुकानां क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर की बजाय 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े नूं बंद रहणगीआं। इस तो पहला विभाग ने 29 सितंबर नूं जारी करके अपने हुक्मां विच अक्तूबर दिसंबर दौरान 25 दिसंबर समेत 6 ड्राई डे ऐलाने ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण इस नूं बदल दिता गया है। शुक्रवार को गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिहाड़े के उत्ते ही ड्राई डे जिहड़ा वो होण जा रहा दिल्ली दे विच। सो इह सन इस वक्त दीआं वड्डीआं ते ताज़ा खबरां। होर खबरां देखण वास्ते तुसीं देखदे रहो पंजाब डायरी। धन्नवाद।